तुम्हारे पे विश्वास प्यार का भाषा समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से निकलो। कहाँ मरूं? डेढ़ किलो का बच्चा होगा जब वो पैदा हुआ होगा तो। भाग यहाँ से, मुझे क्या पता था 20 साल का इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा, काट के ले जाएगा मेरे चांद के। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में, मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये विकास भैया हैं, ये राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव शुक्ला जी आज 3-4 रोज से मिलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि जब इनका तकलीफ आप लोग सुनिएगा तो यकीन नहीं हो पाएगा। ये वही पिता हैं जो अपने बच्चों को खरीद कर ले गए थे हॉस्पिटल से। शायद आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो जा करके सारा हमारे चैनल पे पार्ट बाय पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से, समझ में आप लोग का आ जाएगा। इनके अपने पत्नी से तो कोई बच्चा हो नहीं रहा था, जिसके कारण इन्होंने हॉस्पिटल में ही उस बच्चे को खरीद लिया था। इनके पास इतना पैसा था कि इंसानों को भी ये दाम लगाना शुरू कर दिए थे, और उसी का नतीजा है जो आ जा करके यहाँ पे रो रहे हैं। इन्हीं का वो लड़का आया था जो बोला था कि यहाँ पे लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं होता है। मैं पूछता हूँ, ये 70 बरस के, 60 बरस के, 65 बरस के बुजुर्ग आदमी विदेश से चल करके यहाँ पे क्यों आए हैं, बता सकते हैं आप लोग? नहीं आना चाहिए ना, क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। क्यों आए हो सर, किस लिए आए हो, क्या चाहिए आपको हमसे यहाँ पे? क्या बताएं बेटा, 20 साल पहले पता नहीं क्या पाप कर दिया था हमने, जो अब भुगत रहे हैं बुढ़ापे में। देखिए, पाप करिएगा ना तो भुगतना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो भुगतना पड़ना ही पड़ेगा। वो चाहे आज, ये कलयुग है ना सर, आज करोगे तो कल जरूर मिल जाएगा। बेटा वो पाप नहीं था, उसकी कीमत चुकाई गई है। अच्छा, मेरी औरत 3 दिन पहले मर गई। मर गई दुखी होकर, मेरा बच्चा जो मैंने 20 साल पहले खरीदा था 20 लाख में, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, आपके माइंड में कहाँ से आइडिया, आप तो एक पढ़े लिखे अच्छे घर से अच्छे इंसान लगते हो, बुजुर्ग आदमी भी हो गए, आपको कुछ अगर मैं बोलूं तो दुनिया हमको गाली देगी। हमारी ये ऑडियंस है ना, मैं उनको देवता के समान पूजता हूँ, वो हमको गालियाँ भर भर के कमेंट में सुनाने लगेगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी में मुझे बोलना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपको एक बच्चे को खरीदना पड़ा? मेरी औरत का बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने कहा क्या करूं, बहुत मजबूरी है। अच्छा, एक वहां कोई सज्जन पुरुष मिला। अच्छा, उससे मेरी बात हुई। अच्छा, मैंने कहा बेटा ये बच्चा मुझे दे दो। अच्छा, मेरी औरत मर जाएगी। अच्छा, रो रो के मर जाएगी। अच्छा, बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, बहुत बीमार रहती है, डॉक्टरों से इलाज हो रहा। अच्छा, लाखों रुपया खर्च दिए, फिर बच्चा नहीं हुआ। अब बताओ, मैंने उसको 20 लाख रुपया दिया, एक प्यारा सा नन्ना सा लड़का बेटा लिया, उसको हमने सीने से पाला, खून पसीने की कमाई लगा दी। क्यों, पेड़ किसके लिए लगाते हैं, ताकि छाएं हमें मिले। तो वो मैं उसको अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहता था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, 3 दिन पहले वो आए और मेरे चांद के टुकड़े सर, को, दिल के टुकड़े को लेके। सर एक बात बताऊं, सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं कि आपने उसको एक छाया के लिए खरीदा था, तो दशरथ को भी 4 लड़के थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन तो एक जस्ट मिनट सुनिए ना, लेकिन उनको सुख किसी से नहीं लिखा था, तो हुआ, मिला उनको, नहीं मिला ना, बिल्कुल। तो ये सब कुदरत की करिश्मा है, कुदरत का देन है। बिल्कुल ठीक, अगर नहीं लिखा होगा ना तो आपको एक नहीं 8 बच्चे भी होंगे ना, तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा उसे। मैंने दूसरी शादी का दूसरी भी सोचा। दूसरी चीज कि आपने गलत तरीके से उस बच्चे को खरीदा, क्यों खरीदा आपने? आप जा कल का लीगल तरीका से किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को आप ले लेते, पूरी कागज के तैयारी पूरी लीगल तरीका से लेते, तो आज वो बच्चा आपको छोड़ करके बच्चा भी नहीं जाता है, और उस परिवार का अधिकार भी दोबारा नहीं बनता आपसे वो छीनने का। ममता में आंखें अंधी हो जाती हैं, हर चीज आप दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखता है कि ये चलो लड़का दे रहा है खरीद लो। अच्छा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, सुख नहीं है। मैंने कहा चलो
हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अच्छा एक बात और, तीन दिन पहले मेरी औरत मर गई गम में कि 20 साल हमने उसको इतना अच्छा परवरिश दिया, संस्कार दिया, सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया। अब मैं बताओ इस उम्र में कहाँ मरूंगा, कहाँ जाऊंगा। हमें बहुत दुख है इस बात का, परवरिश इतनी अच्छी हमने की। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, आपको छोड़ के चली गई है, लेकिन क्या करिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कुदरत का देन है, ऊपर वाले का देन है कि जो जैसे करेगा वैसे ही पाएगा। आप भी कहीं ना कहीं उस समय गलती किया था। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये वही अंकल जी हैं जो ठीक आज से 20 साल पहले उस डॉक्टर से इन्होंने हॉस्पिटल में उस बच्चे को ख़रीदा था। इनका कहना है कि वो बच्चा पैदा होते ही 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने खरीद लिया। उसके अंदर जितना भी खून पसीना लगा के उसको पोस पाल के बड़ा किया, आज न्यूली बॉर्न था। अच्छा, जैसे ही पैदा हुआ मैंने कहा चलो भगवान इसी का ले लेते हैं। अच्छा अभी भी आप इस चीज़ को मानते हो कि नहीं कि आपने उस समय गलती किया? मानते हो ना? मानते हो ना? मानते हैं। अब मानते हो? अब पछता रहे हैं, मेरी औरत चले गई। जब वो बच्चा आपके हाथों से फिसल गया, निकल गया, तब आप मानते हो? हर किसी को उसकी गलती है, उसको अगर कीमत मिल गई उसको बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो मुकर गया है अपने कही हुई बात, प्रॉमिस जो किया था। अंकल आज के बाद किसी को नहीं पता पड़ेगा मेरे और आपके बीच में रहेगा, फिर मुझे उसको ऐसा क्यों सदमा पहुंचाने के लिए खुशी हुई? मतलब जब पैसा ले लिए हैं तो वो फिर देखिए दावा ठोक रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी औरत चले गई, अब मैं बुढ़ापे में कहाँ मरूंगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस अंकल का भी गलती नहीं है, जिन्होंने आपसे उस बच्चे को सेल किया था उनका भी इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे सारा पता है, सब बताया कि उनकी औरत है, उनको किडनी के लिए पैसा चाहिए, वो मैं इसीलिए पैसा दे दिया। इस मैटर को यहाँ फंसने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैटर इसलिए फंस गया क्योंकि आपकी जो बहू है ना, जिससे जिस लड़की से आपके बेटे ने शादी किया है, जिस बच्चे को आपने खरीद कर लाया था, वो बहू उस लड़के का बहन ही है, समझ रहे हैं? इसीलिए मैटर आकर यहाँ फंस गया। वो लड़की आई थी हमारे पास फर्स्ट टाइम कि मैंने जिस लड़का से शादी कर रही हूँ वो मेरा भाई है, चाचा मेरा शादी नहीं करने दे रहे हैं। अब किस एंगल से वो भाई है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जब सारा राज खुलता गया, जब जाकर के पता चला कि यहाँ हुआ क्या है। सही बात कह रहे हो, समझ रहे हैं, भुगत रहे हैं। आज आप यहाँ पे अभी क्यों आए हैं? मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू उस आदमी की हिम्मत देखना चाहता हूँ कि 20 साल पहले पैसा ले लिया, अब वो क्यों ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। अच्छा, मैं उसके ऊपर केस ठोक सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास बेअंत वो है, बेअंत है आमदनी मेरी, मतलब आप बहुत धन दौलत है। अच्छा, लेकिन मैं फैमिली का डर, समाज का डर इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, समाज वाले क्या कहेंगे? अच्छा, ये बुड्ढा सठिया गया था 20 साल पहले, क्यों नहीं सोचा इसने? अब आपको पता चल, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़? अब आपको पता चल रहा है ना कि समाज का डर क्या होगा? देखिए अनलीगल कभी भी अनलीगल ही होता है। हम औरत के बहकावे में भी आ गए कि चलो हम इसको चुपचाप पाल लेंगे। देखिए औरत, अब क्या हम आपसे बताएं, कभी भी एक घर को चलाने के लिए ना औरत का सहारा नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जब बुद्धि खराब होती है तो लेना पड़ता, कोई तो समझाए। तभी आदमी जा करके कहीं ना कहीं उलझन में जाके फंस जाता है। मतलब आपका कहना यही है ना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, जो इंसान हिम्मत देखना चाहता, जो इंसान आज से ठीक 20 साल पहले दिखा देना चाहता हूँ कि तूने पैसा ले लिया, बच्चा भी ले लिया, ये कहाँ का तरीका है। अच्छा, और आकर देख। अच्छा, मेरी औरत मर गई है। अच्छा, इसी गम और सदमे के कारण तेरे को शर्म नहीं आई? अच्छा, 20 साल बाद तू आ रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपसे वो अभी मोटे तगड़े हैं, कहीं आप लोग का लड़ाई झगड़ा हो गया फिर अब क्या करिएगा? हमें नहीं अच्छा लगता लड़ाई झगड़ा, इस उम्र में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सर जानते हैं मैं दुखी हो चुका हूँ, सही पूछिए तो, मैं आप लोग के फैमिली मैटर से मैं जितना ही इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतना ही और जटिल होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना? अब बताइए
आप विदेश से चल करके यहाँ पे आ गए, आपकी पत्नी एक्सपायर कर गई, कहीं ना कहीं ये सब मेरे वजह से ही हुआ है ना। मैं कहाँ मरू जाओ के मुझे बताओ, मैं कहाँ मरू जाके, कहाँ रोऊं अपनी किस्मत को। मैंने आपके चैनल का नाम बहुत सुना हुआ है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी हेल्प करो आप, कहीं ना कहीं से उस लड़के को पैदा करो मेरे लिए जो मेरे बच्चे को लेके चले गया। बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सहारा था वो, मैंने उसको क्या नहीं दिया, सब कुछ सिखाया समझाया माँ बाप ने मिलके उसको, मैं कहाँ जाऊँ। आप बताइए कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता बताइए बेटा, प्लीज़ रास्ता बताइए। अपने चैनल के थ्रू हमारा दुख दर्द समझने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दाव लगा दिया, मैं बहुत बड़ा कारोबार चलाता हूँ, लेकिन मैं टूट चुका हूँ, कहाँ जाऊँ। उस बच्चे के खातिर इतने अच्छे संस्कार दिए, परवरिश की इतने अच्छी, क्या नहीं दिया उसको सुख, हीरे की तरह संभाल के रखा था, अपना बेटा समझ के रखा, कभी नहीं हमने सोचा कि इसे हम खरीद के लाए हैं, कभी नहीं सोचा, ना उसको कभी कुछ भी पता चला, आज तक कभी फीलिंग नहीं होने दी कि तुम अनाथ हो, हमने कहीं और से लिया है तुम्हें, हमने आज तक नहीं कभी किसी के कान से उसको नहीं सुनने दिया। हम कहाँ जाएं बताओ बेटा, हम कहाँ जाएं, हम बहुत मजबूर हैं। सर देखिए, हम आपके ना तकलीफ़ को समझ सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हम भी मजबूर हैं, और जानते हैं क्यों मजबूर हैं, आपके पास कोई सरकारी एविडेंस नहीं है कि आप उस बच्चे को पैसे से ख़रीदा था, उस पिता से जिसका ज़मीन आज से ठीक 20 साल पहले मर चुका था। अरे 20 साल और आज उसका ज़मीन जाग लेने गए वक़्त कोई एविडेंस मांगा किसी ने, बच्चा ले लिया मैंने, ख़त्म बात हो गई, उसने 20 लाख ले लिया, मरे जाए चूल्हे में, मैंने क्या करना उसको, बच्चा मेरे पास रहे, पैसा उसके पास रहे, मरे। मैं तो कहता हूँ ऐसा आदमी धोखेबाज निकला, सब कुछ लेने के बाद ये हाल है उसका, ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, मजबूरी में भी कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, कहेगा मर रहा मरने दो, किडनी चाहिए थी नहीं है पैसा, मरने दो उसको, अब मैं कहाँ मरूँ। तो घर परिवार फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसकी बीवी को किडनी मिल गई, पैसा लुटा रहा होगा, ऐश कर रहे होंगे, मैं कहाँ मरूँ, मैं तो सदमे में चले जाऊँगा मुझे लग रहा है, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा 3 दिन से, जब से पता चला मेरी घरवाली मर गई, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा महल है मेरा, इतना बड़ा कारोबार है, वो कौन संभालेगा, तुम्हें नहीं पता, वो बिलख रहा था रो रहा था कि मेरी किडनी में बच्चे उसकी अपनी घरवाली को देनी है। मैंने कहा मैं देता हूँ पैसा, बोल कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका परिवार चल जाएगा बहुत बढ़िया से, और ये बच्चा मैंने 20 लाख में ले लिया, मैं अंधा था प्यार में बच्चे के, कि मेरे हाथ में एक कमल का फूल आ रहा, उसके वक़्त मैंने 20 लाख नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि चलो उसकी घरवाली ठीक हो जाएगी और इनका परिवार खुशी खुशी रहेगा, सुखी रहेगा, यह सुख मिल रहा मेरे को, उस ज़माने की बात आज कर रहा है 20 साल बाद, गद्दार आदमी है। तुम एक काम करो, मैं हाथ जोड़ के तुम्हें विनती करता हूँ अंकल जी, प्लीज आप हाँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम अपने चैनल के माध्यम से उसको सामने लाओ, लोगों को पता चले, समाज में ऐसे लोगों का जीना हराम होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर दुख दर्द समझ के, उसको दुखी समझ के, उस पर तरस खा के नहीं दे पैसा, मर रहा मरने दो, सड़ रही उसकी घरवाली सड़ने दो। मैं आपके तकलीफ को समझता हूँ, ठीक है, हौसला रखिए, आप अगर यहाँ कुछ सोच समझ करके विदेश से चल करके जब आए हैं ना, तो कुछ विश्वास रखिए हमारे ऊपर भी, ठीक है, और थोड़ी सी ना गुस्सा शांत रखिए, क्योंकि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है आपके और आपके सेहत के लिए, आप ठीक रहिएगा ना, तब भी किसी से आप लड़ाई कर पाइएगा या कोई चीज़ के लिए उससे समझौता कर पाइएगा, आपकी सेहत अगर ठीक रहेगी तो, सेहत में ही अगर गड़बड़ कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो एक काम करिए ना, मैं उनको बुला देता हूँ, ठीक है। मुझे उस अपनी सेहत की चिंता नहीं है,
वो हमें अब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनको बुला सकता हूँ, यहाँ पे बुला देता हूँ उनको, और आप उनसे बात करिए, आप ही उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो इन्होंने ऐसा क्यों किया है सब। क्या आज से 20 साल पहले उनका जमीर मर चुका था जो आज अपने उस भतीजे के लिए उनका जमीर फिर से जग गया है कि आज हमारे सारे मेहनत पे वो पानी फेरना चाहते हैं? आपने कोई चोरी करके तो लाया नहीं हॉस्पिटल से, आप खरीद कर लाए, पैसे दे करके लाए, आपका राइट बनता है, बट आपने गलती सिर्फ नहीं किया कि आपके पास कोई लीगल कागज नहीं है, ठीक है? तो मैं ना उनको फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ, आप ये सब उनसे जानने की कोशिश करिएगा। कॉल लगा रहा हूँ, चुप रहिएगा। हेलो सर, कन्हैया बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म करूँ। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। आपसे कोई मिलने आया है यहाँ पे, कोई अजनबी आदमी है। अब हमसे कौन मिल रहा है? कोई अजनबी आदमी है। अजनबी क्या, मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूँ, ये वही अंकल जी हैं जो ठीक आज से 20 साल पहले आपसे उस बच्चे को खरीदा था, वही आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब देखिए, हमने भी तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब इनका कहना है कि मैं विदेश से आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं आप बताओ, आपको कहाँ से मिले, आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसे आ सकते हो यहाँ पर? मैं सच बता रहा हूँ आपसे, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए आपको हमारे ऊपर। मैंने तो नहीं कहा झूठ बोले, फिर भी आपको कहाँ मिल गए? ओ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, प्लीज आप आइए यहाँ पे, और आपसे मिलने की कोशिश करना चेष्टा रखते हैं वो, ठीक है? ट्राई करता हूँ। हाँ तो आइए प्लीज, टाइम निकाल के। ठीक, वो आ रहे हैं, हमारे बातों को नहीं टाल सकते हैं वो, ठीक है? और माइक आप रखिए, और पहले ना आप ही उनसे जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर मैं रहूँगा ना, उनसे बोल दीजिएगा कि नहीं वो नहीं है, वो चले गए हैं, ठीक है? तभी आप उनसे खुल करके बात कर पाइएगा। अगर मैं रहूँगा यहाँ पे तो उनका सारा मैं कहानी जानता हूँ शुरू से अंत तक, तो शायद कोई ऐसा राज हो जो छुपा रहे हो तो ना बता सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं रहूँगा तो मैं कैमरा के साथ ही रहूँगा। अगर वो ये बात जान जाएंगे कि वो नहीं है तो उनको लगेगा कैमरा नहीं है, नहीं। तो इसलिए वो सारी चीज़ ना वो बता सकेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है? अब वो क्यों ऐसा करना चाहती है, क्या उनके अंतरात्मा मर चुकी है, क्या उनका जमीर जो है वो मर चुका है? एक बूढ़े बाप से अपना, ठीक है आपने पैदा नहीं किया उस बच्चे को, लेकिन उसको पैदा होने के एक घंटे के बाद से आपका अधिकार है उस बच्चे के ऊपर, है कि नहीं है? तो आप ये सब उनसे ये सब जानने की कोशिश करिएगा। पकड़िए माइक। A few moments later. आप यहाँ पर कैसे? अरे आप ही से पूछ रहा हूँ राजीव जी। ठीक है, अब आप जवाब नहीं दोगे। वैसे आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? तुमने बहुत अच्छी हरकत करी है। क्या हरकत कर दी मैंने ऐसी? मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा हाथ से छीन के ले गए हो। तुम्हें नहीं मालूम 20 साल पहले मैंने तुम्हारी औरत की किडनी के कारण दिया कि चल भाई इनका परिवार सुखी रहे। अच्छा। खुशहाल परिवार बना रहे। बहुत सही राजीव जी। मेरे पास बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने 20 लाख रुपए लुटा दिया। तो वो आपका स्वार्थ था ना, आपके पास बच्चा नहीं था। मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करी। हेल्प नहीं करी, हेल्प की हेल्प। किडनी कहाँ से आई? किडनी कहाँ से आई? कहाँ से आई? कहाँ से? मैंने 20 लाख रुपया दिया है। 20 लाख में किडनी नहीं आती। बच्चा दिया है। बच्चा 2 लाख 1 लाख में मिलता है। ओके बाजो। अच्छा, 2 लाख 1 लाख में मिलता है। मैंने उसको संस्कार दिए, पढ़ाई लिखाई, इसका खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, मेरा बेटा है। मैंने उसको कौन से स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया बोलो? मैंने उसको 20 साल पाला है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैंने इसलिए लिया कि मेरे घर का बुढ़ापा का सहारा बना रहे। तुम्हें पता है तुम इतने बेशर्म हो, मेरी एब्सेंस में मुझसे एक बात पूछा होता तो मैं सारा कुछ बेच देता तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें तरस नहीं आया मेरे पे। तुम्हें पता है मैं विदेश में कितना बड़ा बिजनेस करता हूँ? तुम्हें क्या मतलब है मैं कितना बिजी रहता हूँ? मालूम है तुमने धोखाधड़ी किस लिए की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ बस।
मैं तुमसे पैसा वापस नहीं लेना। अब आप मेरी सुनोगे जरा? मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, मुझे अफसोस भी है इस बात का। आपको जरूरत थी ना बच्चे की, आपने बच्चा लिया। तुम्हें किडनी की जरूरत थी ना? आपको जरूरत थी ना बच्चे की, आपने बच्चा लिया। मैंने लिया, इज्जत से लिया, 1-2 लाख में मिल जाता है। मैंने कहा नहीं, इसकी किडनी का इंतजाम हो जाए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं किसी के काम आया, तू मेरे काम आया। आया था बेटा तू मेरे काम? आप बरसों के बाद अब आ रहे हो हमारे पास। क्या करूं, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। किस बात का रिश्ता है? मेरे बताओ, जो मैंने उसको संस्कार दिए हैं, आदर्श दिए हैं, परवरिश की है, उसका लेखा जोखा मैंने किया सारा। नहीं, आदर्श आपने दिए, परवरिश आपने दिए। 1.5 घंटे का बच्चा मैं लेकर गया हूँ। जब तुमने बताया हॉस्पिटल में कि अंकल मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी घरवाली मर जाएगी, मैंने कहा बेटा मैं जानता पैसे की जरूरत थी मुझे। 1 मिनट मेरी पहले सुन लो। तुम किडनी कहाँ से खरीदते? राजीव जी मेरी एक बार सुन लो पहले, पैसे की जरूरत थी मुझे। तुम मुकर गए हो, 20 लाख पहले आपने फ्री में दिए थे क्या? आपको जैसा बच्चा चाहिए था वैसा मैंने बच्चा दिया। 1-2 लाख में मिलता है बच्चा? 1-2 लाख में मिलता है? मुझे समझा रहे हो बुढ़े आदमी को? ए ब्लड, आपको ब्लड चाहिए था, किस ग्रुप का चाहिए था? ए वाला। वो मुझे कोई मतलब चाहिए था, मुझे जो बच्चा चाहिए मेरे को मिल गया। वो बात मुकर जानी चाहिए तुम्हारे को, भूल जाना चाहिए। कर रहा हूँ कि तुम बुढ़े आदमी समझ रहे हो क्या? राजीव बाबू मैं आपकी बकवास सुनना नहीं आया हूँ। जिन्होंने बुलवाया वो कहाँ है? तमीज नहीं है, बुढ़े आदमी बाप से बड़ा हूँ तुम्हारे। तमीज? तुम मेरे से आधे हो। मुझसे आप तमीज की उम्मीद लगाए बैठे हो? नहीं लगाऊंगा। आपने क्या नहीं किया वहां से, अमेरिका से बैठ करके यहाँ पर क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया उस लड़के को? आपने क्या क्या सिखा करके भेजा? क्या करा? देखो हालत खराब हो रही है अभी से, जवानी में। जवानी में, लेकिन हम चाहते हैं तुम सुखी रहो, इसीलिए 20 लाख रुपया दिया, तुम्हारी घरवाली बच जाए, तुम्हारे बच्चे का परिवार। मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आया राजीव बाबू। ये भाषण नहीं है, एक तरह उनको बुलाइए, जरूर बुलाया। मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता यहाँ पर, समझ रहे हो ना? मेरे पेशेंट भी मैं इंतजार कर रहे हैं। एक मजबूर बाप भीख मांग रहा है इस टाइम, और तुम्हें शर्म नहीं आई? तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप भीख मांग रहे हो, समझ रहे हो ना? मैं मांगूंगा, मेरी औलाद है वो, मेरे बुढ़ापे का सहारा। अभी तो आप कह रहे हो आपके विदेशों में बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, तो कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? हमारी जिम्मेदारी है क्या आपकी? ठेका ले रहे कौन चलाएगा बुढ़ापे में? मुझे बताओ मेरा सहारा कौन बनेगा? सही, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या पता वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है? तुम्हें क्या मालूम है? मैं क्या करूँ उसमें? क्या मालूम है? वो मेरा बुढ़ापा है, मेरी बुढ़ापे की लाठी है, कहाँ मरूँ? कितने स्वार्थी हो राजीव बाबू। स्वार्थी नहीं, लेन देन बराबर हो गया। फिर 20 साल बाद तुमने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े हैं? मैंने गड़े मुर्दे उखाड़े? और क्या कर रहे हो? शर्म आती है कि नहीं आती बुढ़े? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिमाग खा जाता हर वक्त, गड़े मुर्दे उखाड़ने वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे ही करोगे? गड़े मुर्दे मैं उखाड़ रहा हूँ? उखाड़ रहे हो। उस बच्चे को अपनी लाठी का सहारा बनाना चाहता है? बिल्कुल बनाना। वो अपनी जिंदगी नहीं जिएगा क्या? क्यों, मैंने उसको क्या गलत चोरी सिखाई है? तूने स्मगलिंग सिखाई है? क्या बताऊं मैं? क्या किया? करूं? क्या बताऊं? बताओ। यही तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाएगा। बोलते जाओ क्या क्या। मैंने अगर बताना शुरू किया ना, शुरू करो। मैं चाहता हूं सुनना अपने इन दोनों कानों से। तेरी गंदी आदतों के बारे में बताना नहीं चाहता हूं मैं। मुझे सुनाओ, समाज को पता चलना चाहिए क्या करता था ये बुढ़ा आदमी उसके लिए। तेरे पास कोई वीडियो नहीं है? तेरी बीवी तेरे पास क्यों नहीं रहती है? तू भी जानता है बगल वाले मकान में क्यों रहती है, तू जानता है? अच्छा, तूने उस लड़के के साथ क्या किया? तेरे को किसने कान भर दिए? शर्म नहीं आई बिल्कुल? तेरे को कान किसने भर दिए? कान भर दिए? हाँ, मेरे पास प्रूफ है, समझ रहा है? ला निकाल। कुछ तो शर्म कर लेता है। दिखा वीडियो बनाया, क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, उस बच्चे के साथ ऐसा काम किया, तुम दिखाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ मरूँ, कहाँ जाऊँ, किसको सुनाऊँ अपना दुखड़ा? आनी चाहिए शर्म तेरे को बेटा। राजीव जी यहाँ 3 जान है, उनको भी तो मुझे देखना है। आप बैठो जरा, बैठो तो सही। मैं मुझे आपको पता तुम्हें मेरी कितनी हालत खराब है, इतनी ठंड में मैं आया हूँ, कैसे आया हूँ मुझे पता, कितना रो रो के मेरा बुरा हाल हो। राजीव जी आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, आपको मालूम है यह कंडीशन क्या थी, जानते हो ना आप? तुमने मुझे बताया कुछ?
चुपचाप बच्चा लिया और निकल दिए। अजीत जी आप नहीं समझ रहे हो, इसकी माँ बहुत परेशान थी, बच्चे के बिना रह नहीं सकती थी। बेटा मुझे बताया हो, आप बताओ, अंकल को बताते, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, सब कुछ है, बातचीत करने का मोबाइल है, हम दो एक हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप किया था, आपका नंबर चेंज हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा क्या कसूर है, बच्चा लिया मैंने, पैसे दिए, सब कुछ मेरा, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता। तो आपने आपने जो पाला पोसा है उसके अंदर वो सब लक्षण है, आपने जो उसके लिए किया सब कुछ है उसके अंदर, वो बिल्कुल आप ही की तरह बातें करता है। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे मेरा बच्चा दे दे यार, मैं भीख मांगता हूँ बेटा, मुझे भिखारी बना डाला तूने मेरे बेटे के लिए, मुझे भिखारी बना दिया तूने, तेरे को हंसी आ रही है बुढ़ापे में मेरे भिखारी बना दिया और क्या, भिखारी बना दिया, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दे बेटा प्लीज। मुझे मालूम है तो बच्चा क्यों लेने आये हो, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें पता नहीं कहाँ से सब ऊट पटांग बातें सुनने को। राजीव जी झूठ मत बोलो, आप बच्चा क्यों लेने आये, अभी मैं जानता हूँ, आपने उसके नाम इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी ना। मेरे को ये सब नहीं सुनना, मुझे मेरे बच्चे का प्लीज, मेरा बच्चा मुझे दे दे। सही बोलो राजीव जी, तू 20 लाख रुपए और मांग ले, मैं मुझे मालूम है आपने जो पॉलिसी ली थी, जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मैं सारा घर बेच दूंगा तेरे नाम पे, और बोल मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा बेटा दे दे राजीव जी प्लीज। इस उम्र में झूठ बोल रहे, शर्म तो करो, तू कागज पे साइन करा ले और दोबारा शक्ल मत दिखाई हो, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, मैं वही रिश्ता रखना चाहता हूँ, मेरा बेटा मुझे दे, कागजों पे साइन करा, उसके बाद किस्सा खत्म, दोबारा शक्ल मत दिखा, कागजों पर साइन करवाओ। हाँ अब करने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे जैसे आदमी पे विश्वास नहीं है, गद्दार है तू। मुझे मालूम है आप किस पेपर पर साइन करवाना चाहते हो। मेरे बुढ़ापे में अगर इतनी हिम्मत होती ना, तुम्हारे को उठवा देता, उठवा देता यहाँ से, फेंकवा देता। आगे ना लाइन पर, क्या करूँ, जैसे करोगे वैसे भरोगे, तुमने अच्छा करा, मेरे जैसे बुढ़े आदमी को लूट रहे हो, धोखा दे रहे हो। फेक पॉलिसी आपने बनवाई, क्या गलत हो जाएगा पॉलिसी का नाम लेना, क्या गलत हो जाएगा, तेरे नाम पे कर दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लालच नहीं है मेरे अंदर, समझ रहे हो ना, मैं मानता हूँ आपने उसे पाल पोस करके बड़ा किया। बेटा 20 साल लालच पहले किया था, इसीलिए बुढ़ापे में भुगत रहा हूँ तेरे से, तेरे लालच जी, मैं जानता हूं, मैं भुगत रहा हूं। देखो राजीव जी, मुझे मालूम है आपने बहुत त्याग किया है, बहुत ज्यादा त्याग किया है, लेकिन मैं उसको मना कैसे कर दूं, उसकी माँ को कैसे ना कर दूं, मैं कंपनी पर तरसती रही, कौन चलाएगा मेरी कंपनी, कौन चलाएगा बुढ़ापे में मुझे। अरे वो आएगा आपके पास कुछ टाइम, तो उसको वहां पर रुकना दो, आप बात तो कम से कम समझो। तुम चुपचाप बिना पूछे मेरी एब्सेंस में लेकर चले गए, मुझे क्या विश्वास होगा, मैं लेकर नहीं गया, नहीं नहीं बिल्कुल लेकर गए हो आंटी जी, मैं बेटा ले जा रहा हूं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो राजीव जी, बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, वो हमारे पास आया ढूंढता हुआ हमको। नहीं गलत, तुम उसको फुसला के लेकर गए हो, भानु बुढ़ापे ढूंढता है, ऐसा लड़का नहीं है भानु हमारा, उसको पता लगा, हमने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं, हमेशा उसको सिखाया किसी तीसरे के साथ नहीं जाना, कहीं भी आना नहीं। आपका लग रहा है आपका बुढ़ापा आ गया, भानु मेरा नाम है, डॉक्टर भानु को ढूंढता हुआ है वो, हम नहीं ढूंढने गए थे उसको, उसको किसी ने बताया था कि उसके चाचा यहाँ पर रहते हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी एक ही विनती है, मेरा बेटा मुझे दे दे बस। अरे अरे मेरा बेटा मुझे दे दे, मुझे कुछ नहीं सुनना तेरे से, सिर पकड़ लूं, फाड़ लूं सिर तेरे सामने, पैरों में लेट जाऊं। मैं उसकी माँ को क्या बोलूं, जो मर्जी बोल, 20 साल पहले क्या बोला, 20 लाख रुपए लाया हूँ अंकल से, धोखेबाज, 2 लाख में किडनी मिल जाती है। मैंने कहा नहीं, तू मुंह मांगा ले चेक, यहाँ से चले जा, दोबारा नजर मत आना मेरी नजरों के सामने कभी भी, मुझे क्या पता था 20 साल इतना बड़ा पेड़ हो जाएगा, काट के ले जाएगा मेरे चांद के टुकड़े को। नहीं ले गया, काट के बाप बात लेकर गया, उंगली पकड़ के नहीं लेकर गया तू, कुछ दिन उस बच्चे को उस माँ के पास रहना, तो पूछता, इजाजत लेता, मैं उसका बाप हूँ, 1.5 घंटा पहले मेरे पैर मत पकड़, भाग यहाँ से बदतमीज, पैर पड़ रहा है, बच्चा वापस ले लेगा, हो गया किस्सा खत्म, अब क्यों पैर पकड़ रहा है, कभी तूने सोचा, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ, तू मेरा बेटा ही है, बेटा हूँ,
बेटा तभी तेरे को बड़े प्यार से समझा रहा हूं, कोई और हो उठा के फेंक दे। मेरे अंदर भी दिल है, जमीर है, धक्का मारा है तो देखा है कि बच्चे को लगी है, उठा लिया, कोई और टांग मारे, घूसा मारे, पलट दे, लेकिन हमारे अंदर भी दिल है, दिल है ना आपके, बाप है किसी के लिए, इसीलिए आपसे कहा कुछ दिन के लिए उसको यहाँ पर रहने दो, कुछ दिन के लिए। तो ये नहीं तरीका होता बेटा, कहाँ क्या समझाऊं तुम्हें, बार बार समझा रहा हूँ, ये क्या तरीका है, बिना पूछे मेरा बेटा ले गया, वो उस पर तेरा कोई हक नहीं है, तेरा हक नहीं है, मैं कह रहा हूँ तेरा हक नहीं है कोई, मैं लेकर के नहीं गया, कौन चले गया लेके, वो अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप आया है, बिल्कुल, तू कह रहा बार बार कि हाँ वो अपने आप मुझे ढूंढता हुआ आया, डॉक्टर भानु प्रताप का घर कहाँ है, ऐसे ऐसे ढूंढता हुआ आ रहा, झूठ बोलते हो, हमने उसको संस्कार दिए, राजीव जी ये ऐरा गहरा तो ये इंटरनेट की दुनिया है, ऐरा गहरा गरीब नहीं है, महलों में राज कर रहा है, समझ गया, तेरी औकात अभी भी मेरे पैरों में है, कहो तो मैं अपना मकान अभी तेरे नाम पे लिख दूं मेरा, लेकिन बेटा दे दे, मैं कहां मरूं, मेरा सहारा है बुढ़ापे का, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, बार बार समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में मैं कोई लड़ने आया हूं, ये शोभा देता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं हार्ट पेशेंट हूं, कहां मरूं, कहां मरूं, कहां मरूं, मुझे बता कहां मरूं, इधर जाऊं, दिमाग खराब हो गया क्या, ये देखो हाथापाई करने बैठ गया, हाथापाई कर रहा, दिमाग खराब हो गया, देखो बाप समान हूं तब भी हाथापाई कर रहा, एक डॉक्टर और एक विदेशी, विदेश का निवासी है तो इंडिया का ही लेकिन विदेश के, वो भी तुम्हारे बाप के समान, क्यों बैठिए कॉलर पकड़ रहे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, यही संस्कार है आपका, मैं तो सोचता था आप लोग पढ़े लिखे घर से हो, पढ़े लिखे समाज से हो, पढ़े लिखे संस्कार से हो, आप लोग कुठी में रहते हो, डॉक्टर हो, यही सिखाया आपके, ये डॉक्टर है, ये कसाई है, कसाई आपकी उम्र के है, उनके अंदर आग लगी हुई है, उनके जिस्म आग लगी हुई है, बेटे के चलते बोलेंगे नहीं, वो इसको बुलाया, आपको सुनने की कानों के पर्दे फट रही है, नहीं सुना जा रहा है आपसे, मैं इसे कुछ नहीं चाहता, कर अगर आपको कान पे लगाऊं, दो चार लगा दूं, कैसे क्या कर लोगे आप, अच्छा लगेगा आपको, 20 साल पहले बात खत्म हो गई थी, जो 20 लाख रुपए लिए वो, उनको क्या पता है, हम जानते हैं ना, हमारे पास सारा चीज जो पड़ा है, हम जानते हैं, वो तो उनके अंदर गुस्सा है ही है, वो 20 साल से पोस्ट पाल कर उसको बड़ा किया है, तो उनको गुस्सा नहीं है, गलती कर दी है, इसकी बीवी पे तरस खा लिया, मर रहे थे तो इसकी बीवी को, मैं पता है, कुछ पता है आपको, आज से 3 दिन पहले उनकी पत्नी मर गई है, एक्सपायर कर चुकी है, नई बात सुन ले, तो आपने तो मुझे बताया नहीं, क्या करूंगा बता के, एक नया और चिट्ठी खोल लूं, आप आके उनको कॉलर पकड़ रहे हैं, यही संस्कार मिला है, पैसा भी दिया, कॉलर भी पकड़ समझ रहे हैं ना, क्या गलत उनका, वो बोलेंगे, उनका अधिकार है, पूरा अधिकार है, अब जवाब दो, 1.5 किलो का बच्चा होगा जब वो पैदा हुआ होगा, तो 1.5 घंटे के बाद से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, सिर्फ 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मालिक हो आप लोग, भूल गया, आज वो 20 साल का है तो उसके अंदर जो खून पसीना बन कर दौड़ रहा है ना, वो उनकी मेहनत का है, इसकी बीवी बचाली मर जाती, अगर आप ही इस जगह पे होते तो आप क्या करते, बताओ क्या करते आप इस समय, मर जाती, आप बताओ मैंने क्या गलत किया, इनको बच्चे की जरूरत थी, मैंने इनको बच्चा दिया, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत थी, इन्होंने उसके बदले मुझे पैसा दे दिया, उसके बाद अपनी शक्ल क्यों दिखाने आ गया, 3 दिन पहले मेरी सर देखिए मेरी बात सुनिए, आप गलत सोच रहे हैं, मेरी बात, मैंने आपको मेरी बात सुनिए, आप इधर आप नहीं समझ रहे हैं ना, आप पूरा चीज नहीं देखे हैं, आप नहीं जानते हैं, मैंने आपको बोला भी था कि सर देखिए उनका भी गलती नहीं है, इनका भी गलती नहीं है, मैं आपको बोला था ना, ये नहीं चाहते थे कि मैं बच्चे को लूं, लेकिन वो बच्चा अगर इस मैटर पता है इसमें आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर जितना वीडियो सब जाकर देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा, कहीं से गलत नहीं है, लेकिन आज ये गलती किया है आपका कॉलर पकड़ करके, इसको मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, बिना पूछे बच्चा नहीं ले जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी मेरी बात सुनिए ना, वो लेके नहीं गए हैं, वो बच्चा बालिग हो चुका है, वो शादी कर लिया, आपको पता है वो अपने बहन से शादी किया, मैं आपको बताया भी हूँ, वो आपके मेरी घरवाली को क्यों नहीं बताया, वो इसी सदमे में मर गई, देखिए
हमें इस बात की दुख है, बुढ़ापे में मेरा अब क्या सहारा है? मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करिएगा? ईंटें खाऊंगा। देखिए, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई छुपा नहीं सकता है, कोई झूठ नहीं बता सकता है। तो ऊपर वाले की कुदरत की करिश्मा होती है, जिसको जब जहाँ तक जितना जिंदगी जीना होता है उतना वो जीता है, मरने वाले कोई नहीं रोकता है। जवाब दीजिए ना जी, काहे चुप हैं आप? एक सिर्फ आपके इस गलती की वजह से आज देखिए 20 साल का बाद भी वो लफड़ा आपको खींच कर यहाँ लाई कि नहीं लाई? आपको सिर्फ मेरी गलती दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती। इनको जरूरत थी, इनकी जरूरत मैंने पूरी की, जो मुझे चाहिए था वो इन्होंने मुझे दिया। आज वो बच्चा अगर अपने आप चल करके आ जाता है, बालिग है, उसकी किसी और से शादी हो जाती है, तो इसमें मेरी गलती है क्या? और वो इत्तेफाक से वो अपनी बहन से शादी कर लेता है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि नहीं है? मैंने किया क्या? तू बुढ़ा हो गया बाप है, उसको समझा कि तेरे पिताजी तेरे घर चलो शादी कर। मैंने समझाया नहीं होगा तो लेकर आता। इनसे आप पूछिए, इनको संभालो। मैं लेकर आए ये सर, मेरे सामने लेके आता। सर मेरी बात आप लोग एक मानिएगा, अगर आपके अंदर की भड़ास जो है ना, नाराजगी की बोले तो, गुस्सा की बोले तो, अगर उसको आप निकाल के चले तो मेरा एक सजेशन आप मानिएगा, और आपको भी मैं बता रहा हूँ। बताऊँ? बताइए सर। आप इनको अपना लो ना, क्या दिक्कत है? आपकी इस दुनिया में अब कौन है? आपके जीने के सहारा ये लोग बन जाएंगे, इनकी परिवार आपकी परिवार हो जाएगी, आपकी परिवार इनकी परिवार हो जाएगी। नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे को समधी के तौर पे आप लोग जी सकोगे। सुन तो लीजिए, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इनके दिमाग में ये, हम इनके पैसे के पीछे पड़े हुए। मैंने बोला एक बार भी? इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने 50 बार इन्होंने कहा तुम्हें पैसे की जरूरत थी। सर देखो मेरी बात, 20 लाख दिए कि औरत बच जाएगी, घर में सुख भी परिवार बना रहेगा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा ही परिवार उजाड़ दिया। सर तुमने, कर्म योगी कभी भी बीते हुए चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना हमारी बात को? कर्म योगी हमेशा आगे में सोचते हैं कि आगे हमको क्या करना है, ना कि वो बीते हुए पीछे चीजें वालों पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में एक दूसरे को लड़ते हैं और कटते हैं। अब पीछे क्या हुआ फ्लैशबैक में उसके पीछे मत जाइए आप लोग। समधी बनने लायक है? मेरे पे हाथ उठा रहा है, कल को पे मेरे घर आ जाएगा, मेरे परिवार के साथ मिल जाएगा, ये तो पेट में मुंह का मिलेगा, चाकू मार देगा, काम खत्म। राजीव जी आपने मुझे भड़काया, करोड़ों रुपए की उकसाया आपने मुझे, अपने नाम पे कर लेगा, उकसाया आपने मुझे। सर आपका वो बेटा भी तो है उस परिवार में, जिसको आपने पोस पाल कर बड़ा किया, अगर उसके हृदय में, उसके सीने में आपका अगर दिल धड़कता होगा ना, तो कतई नहीं ऐसा होने देगा, आपको कहीं भी सर झुकाने नहीं देगा, कहीं भी किसी के सामने आपको बेइज्जत नहीं होने देगा। इनको मंजूर है? मैं तो बुड्ढा आदमी हूं। इन लोगों को क्यों सोच रहे हैं? आप अपने बेटे और बहू के बारे में सोचिए ना, कि मैं इनके पास नहीं जा रहा हूँ, बेटे और बहू के पास जाऊंगा। क्या कह रहे हो? अभी भी साथ रहूं धोखेबाज के साथ, कल को मौका देखेगा पेट में चाकू मार देगा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, मैं कैसे विश्वास करूं इस पे? सुन लो सर, तो क्या करेगा अकेले आप? एक कुत्ते की मौत मरिएगा आपको मंजूर है? विश्वास नहीं है। कौन है अब आपके इस दुनिया में? मान लीजिए आपका एक बहू था, एक बेटा था, उसने भी अगर छोड़ दिया आपको। हाल देख रहे हो, ऐसे नहीं हुआ है, समझ गए? धूप में नहीं मैं बैठा रहता, एक्सपीरियंस होल्डर है। आप किसको समझा रहे हो? इनके जू भी नहीं रहेंगेगी, चलो हट यहाँ से। ये सब आपका ना किया धरा है, क्या है? आप इस पे विश्वास करूं तो किस पे करिएगा? एक सेकंड नहीं कर सकता। किस पे करिएगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? तो तमाशा बना के रख दिया है, ऐसे ही मरूंगा। जाओ यहाँ से। तो क्यों आए हो आप? हाँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मुझे तुम्हारे पे विश्वास। प्यार का भाषा समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। तमीज का भाषा समझ में नहीं आता है? आपने हमको बुलाया इनसे मिलने के लिए? सर आप गुस्सा मत दिलाओ हमको, आप लोग तमाशा बना के आप लोग रख दिए एकदम, बिल्कुल गलत आदमी को आपने बुलवाया। हम बुलाए नहीं थे, खुद आए थे हमारे पास, 2-3 दिन से हमको परेशान कर दिए थे फोन करके कि मिलना है मिलना है मिलना है। आपका पता नहीं जानते हो, आपका घर नहीं देखे हो, आपसे डायरेक्ट नहीं मिल लेते हो। आपको मालूम हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, बच्चे को हम उठा करके लाए? वो छोटा चीज उनको थोड़ी पता है, लेकिन हम तो जानते हैं, हम जानते हैं, उनको थोड़ी पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इतने दिनों के बीच में। वो तो जो देखे हैं वही सुनकर आए हैं। आज वो कितना गुस्सा में देख रहे, आप देख लिए ना,
एक पत्नी का मरने का गम क्या होता है सबको पता होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, उनका बोलना भी लाजमी है और इस सबके पीछे आपके हाथ है। मेरा हाथ नहीं है, बिल्कुल आप ही का है, आपने सब किया है, आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। गलत कह रहे हो इस बारे में, आपके अंदर अगर इसमें जरा सा भी शर्म है ना, दिमाग है, तो आप खुद जाइए, सबको हैंडल करिए, सबको समझा के रखिए, नहीं तो सब एक दूसरे को कुत्ते की तरह मर जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है आप लोगों ने, बराबर मेरे ऊपर इल्जाम लगा, सब चीज आप ही ने किया है, आपका रे कुछ भी नहीं किया है। क्या नहीं किया है आपने? आप गलत समझ रहे हो, आप देख रहे हो पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ इसीलिए। तो हाँ तो जाइए ना, जाइए पेशेंट को देखिए, उठिए जाइए, जाइए यहाँ से, आप भी जाइए, जाइए यहाँ, तमाशा मत करिए, जाइए। दिमाग खराब करके रख दिया है, लो बंद करो बाबू।